हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। फ्रेंड्स, ह्यूमन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट टू लेके आए हैं, इसमें हम कवर करेंगे, आज टंग को कवर करेंगे पूरा और टीथ को, इन दोनों के बारे में स्पेशल पॉइंट सारे कवर करेंगे। ये हमारा नोट्स जो प्रिपेयर किया गया, पूरे एनसीईआरटी की लाइन लिए गए हैं और बाकी अलग से स्पेशल पॉइंट को कवर किया गया। ये जितने भी हमारे नोट्स हैं नीट एस्पिरेंट के लिए ढंग से कवर कर किया गया। नीट एस्पिरेंट कम से कम इन टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए, बाकी इलेवंथ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में एक हमने पढ़ लिया था पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में हम टंग पढ़ेंगे और टीथ पढ़ेंगे। टंग में हम देखते हैं क्या क्या आपको पता होना चाहिए। टंग में हम ये देखते हैं, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। क्या? टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, मतलब टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे फ्लोर ऑफ कैविटी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री होता है, एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग के बारे में बात जो करें कि फ्री होता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज फिक्स्ड एंड कनेक्टेड विथ हायड बोन। इट मीन्स जो हमारा पहली बात टंग ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, एंड सेकेंड पॉइंट इज कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग जो फ्री होता है, मूवेबल होता है, बट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इज फिक्स्ड होता है एंड कनेक्टेड विथ हायड बोन। एक हमारे पास जो बोन है हायड बोन, उससे कनेक्टेड होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। फिर एक पॉइंट स्पेशल देखने के लिए हमारा है, क्या कह सकते हैं कि जो वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जो वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेन्यूलम लिंगुई। क्या बोला? फ्रेन्यूलम लिंगुई, ये काफ़ी स्पेशल पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि जो वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेन्यूलम लिंगुई। फ्रेन्यूलम लिंगुई से कनेक्टेड रहता है। आइए हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि टंग के स्ट्रक्चर में क्या क्या हमको कवर करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला की पॉइंट से टंग को स्ट्रक्चर बनाते, एक पहला पॉइंट, दूसरा पार्ट। टंग में दो ही पार्ट है, ये एंटीरियर वाले पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है एंटीरियर पार्ट है, जबकि ये पीछे पोस्टीरियर पार्ट टंग का। अब एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं ओरल पार्ट ऑफ टंग, एंटीरियर पार्ट को क्या बोलेंगे? ओरल पार्ट ऑफ टंग, जबकि पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलेंगे? फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। एंटीरियर को ओरल पार्ट ऑफ टंग, पोस्टीरियर को फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें सब पार्ट्स हैं। ये जो पीछे पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे टॉन्सिल प्रेजेंट है, क्या इसका नाम है? लिंगुअल टॉन्सिल। फिर इसके बाद एक वी शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। जो वी शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका क्या नाम है? सल्कस टर्मिनलिस। उसके एंटीरियर आएंगे सर्कल टर्मिनलिस के, तो पैपिली होती है, सरकम वैलेट पैपिली। क्या? सरकम वैलेट पैपिली प्रेजेंट होती है, जो 8 से 12 नंबर में होती है, ह्यूमन के अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। फिर बात कर सकते हैं, एक फिलीफॉर्म पैपिली है, दूसरा फंगीफॉर्म पैपिली। एक फिलीफॉर्म पैपिली है, दूसरा फंगीफॉर्म पैपिली होती है। फंगीफॉर्म जो होती है पिंक कलर की होती है, जो इसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फिलीफॉर्म पैपली होती है, फिलीफॉर्म पैपली इसमें वाइट कलर की होती है, इसमें नो टेस्ट बड्स प्रेजेंट, इसमें टेस्ट बड्स अब्सेंट होते हैं। टेस्ट बड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथीलियम, टेस्ट बड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथीलियम। ये भी काफ़ी स्पेशल पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। तो टंग के बारे में इतनी जानकारी आपको कम से कम पता रहना चाहिए। फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, टीथ। टीथ में देखिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। टीथ का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है। क्या होता है? टीथ का जो ओरिजिन है एक्टोमीजोडर्मल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं टीथ के बारे में कि ह्यूमन टीथ आर अटैच टू द मैगजिला एंड मैंडिबल बोन। मैगजिला और मैंडिबल, ऊपर वाला हमारा जो बोन है उसका नाम मैगजिला, नीचे जो है मैंडिबल बोन है जा बोन, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है हमारा टीथ होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है थीकोडॉन्ट का। थीकोडॉन्ट मतलब ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म जिनमें दांत एक बोन साकेट में प्रेजेंट होता है, उसको थीकोडॉन्ट बोल सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि टूथ इज डिफरेंशिएटेड इन थ्री पार्ट्स। टूथ को थ्री पार्ट, सबसे ऊपर इनेमल होगा ये वाला पार्ट,
फिर एक क्राउन पार्ट है, फिर नेक है और एक रूट है। ये तीन पार्ट हमारे टीथ में हो गए। इनेमल के बारे में अगर देखा जाए, इनेमल इज ए हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जो हार्डेस्ट मटेरियल पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? इनेमल। जबकि हार्डेस्ट टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो हमारा बोन है। जबकि प्लांट के बारे में अगर हम बात करें कि प्लांट में हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, तो आप बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन बोलेंगे। क्या? स्पोरोपोलेनिन। फिर बात करें इनेमल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इनेमल क्या है? इनेमल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन में होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, कि टीथ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उनकी फंक्शन क्या होता है। तो पहला पॉइंट है टीथ चार प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की बारे में बात करें, ठीक है। इंसीजर का फंक्शन देखिए, चिसल लाइक टीथ होता है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को मतलब काट देने के लिए, काट के मतलब अंदर चबाने के लिए कह सकते हैं कि ये चिसल लाइक टीथ होता है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए। दूसरा पॉइंट कहते हैं कैनाइंस। कैनाइंस के बारे में देखिए, शार्प पॉइंटेड टीथ फॉर टीयरिंग एंड सीयरिंग के लिए। क्या? शार्प पॉइंटेड सीथ होता है फॉर टीयरिंग एंड सीयरिंग के लिए होता है। इन हर्बीवर्स में ये टीथ एब्सेंट होता है। और जो कैनाइन का स्पेस होता है हर्बीवर्स में, उसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ कैनाइन को डायस्टिमा। ये नीट में सवाल आ चुका है, बोर्ड में भी शायद एक दो बार आ चुका है कि क्या बोल रहे हैं कि डायस्टिमा किसे कहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कैनाइन टीथ की स्पेस को हर्बीवर्स में कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट बनता है कि प्रीमोलर क्या है। प्रीमोलर में फॉर ग्नाविंग, सॉरी फॉर चीविंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। फूड को चीविंग और क्रशिंग के लिए जो टीथ रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रीमोलर। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट बनता है मोलर के बारे में। मोलर में कहते हैं फॉर चीविंग एंड मैस्टिकेटिंग ऑफ फूड एंड क्रशिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। चीविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रशिंग मैस्टिकेशन के लिए जो टीथ रिस्पॉन्सिबल उसका नाम मोलर टीथ। मोलर टीथ को ही, थर्ड मोलर को ही कहते हैं विजडम टीथ बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि टीथ मतलब कितने, उनके आने के बेसिस पे कितनी बार अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके बेसिस पे हम टीथ को जो डिफरेंशिएट किए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है परमानेंट टीथ, सेकेंडरी टीथ होता है। टीथ मतलब हमारे कितने प्रकार के हो गए भैया? दो प्रकार के हमारे टीथ अपीयर्ड बॉडी के अंदर होते हैं। चलिए, जो फर्स्ट टाइम टीथ अपीयर होता है उसको कहते हैं मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या टेम्परेरी टीथ, ठीक है। फिर बात एक कॉन्सेप्ट बनता है कि मोनोफाइडेंट क्या होता है, डाइफाइडेंट। मोनोफाइडेंट मतलब ये होता है कि जो लाइफ में दांत एक बार आए उनको कहते हैं मोनोफाइडेंट, जो दो बार आए उनको कहते हैं डाइफाइडेंट। मतलब वन ओनली अपीयर्स ओनली वन इन लाइफ मोनोफाइडेंट, द टीथ अपीयर्स टू टाइम्स इन लाइफ डाइफाइडेंट, ठीक है। मोनोफाइडेंट की एग्जाम्पल क्या क्या? प्री मोलर, जो हमारे पास टोटल आठ प्री मोलर होते हैं ये मोनोफाइडेंट होते हैं। जबकि थर्ड मोलर जो होता है वह केवल मोनोफाइडेंट होता है, फर्स्ट और सेकेंड मोलर डाइफाइडेंट होता है। इसके अलावा जितने भी टीथ हो क्या डाइफाइडेंट है, ठीक है। फिर डेंटल फार्मूला की अगर बारे में हम बात करें कि डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो आपको कम से कम पता रहना चाहिए इसके बारे में डेंटल फार्मूला क्या। देखिए ये स्पेसिफिक, अगर पूछा कि चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या, तो आप बोलेंगे 2102, टोटल चाइल्ड में 20 टीथ प्रेजेंट है। फिर बोला जाए अगर कि मान लीजिए कि 17 ईयर कोई इंसान है, कितने साल का है 17 ईयर का कोई अगर ह्यूमन बॉडी है, कितने 17 ईयर का, 17 साल का कोई है, तो उसका 21-22 डेंटल फार्मूला होगा, टोटल टीथ कितना 28 टीथ हो। एडल्ट कोई अगर है तो इसमें अगर 21-23 डेंटल फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।